ये है मेरा वियतनाम सीरीज का थर्ड एपिसोड। इस एपिसोड में आपको देखने को मिलेगी हनोई की कुछ और टूरिस्ट अट्रैक्शंस और एक लग्जरी लिमोजिन बस में हनोई से हाइजान तक का हमारा सफर। आज भाई हमारा दूसरा दिन आज आके धोखे निकले मार्केट में आए हैं और यहाँ से हम लोग काफ़ी दूर जाने वाले हैं आज, मतलब अब शाम तक ही वापस आएंगे। और अभी हम लोग ये ओल्ड क्वार्टर में, जो कि हमारे हॉस्टल से बिल्कुल पास में ही था, तो ये एक मार्केट है यहाँ का ओल्ड। अभी भी हमारे फर्स्ट इम्प्रेशन ही चल रहे हैं हनोई के, कि अभी इस एरिया में हम लोग आए नहीं थे और ऐसा मार्केट हमने देखा नहीं था। मार्केट तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लोकल मार्केट है, सब छोटी मोटी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। भाई मार्केट में तो कुछ है नहीं खास हमारे लिए, हम तो कुछ लेने नहीं वाले या फिर देखने नहीं वाले। अभी अभी इतनी भीड़ भी नहीं है मार्केट में, तो हम लोग भी मार्केट से तो आगे जा रहे हैं। अभी पता नहीं किधर जा रहे हैं, आधा 1 किलोमीटर जा रहे हैं, फिर दिखाते हैं वो जगह। पर वही आज भी हम लोग पैदल ही घूमने वाले हैं। आज थोड़ा जल्दी भी निकल गए मेरे ख्याल से, क्या बता। नहीं नहीं भाई, 10 बजे ही उठे थे। हाँ तो एक 10-15 मिनट जल्दी निकले हैं बस, और कुछ फर्क नहीं पड़ा। अभी हम लोग चल के जा रहे हैं एक ब्रिज पे, और फिर आगे जाके दिखाएंगे आपको एक बड़ी सी वॉल म्यूरल जो शायद 6 किलोमीटर की है। हाँ ग्रेफिटी नहीं है, ये मोज़ेक। मेरे पीछे आप जो देख रहे हो वो है यहाँ की क्लासिक वॉल म्यूरल, मोज़ेक पैटर्न में बनाई है, तो अलग अलग टाइप से। और ये भी यहाँ का एक फेमस अट्रैक्शन में है, तो हम लोग इधर आ गए और फिर आगे जाएंगे। अभी तो आज काफ़ी घूमना है, और ये काफ़ी लंबी वॉल है, करीब 6 किलोमीटर की वॉल है। 6 किलोमीटर की है तो भाई ये आगे तक ऐसा कैसे ही होगा। अच्छा वो देख वहाँ तक है। ये जो पीछे बिल्डिंग है हमारे, ये है हनोई ओपेरा हाउस। ये भी यहाँ की एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में एक है, तो हम लोग अभी यहाँ पे चल के ही आए हैं। वो बाइक टूर चलते रहते हैं उसके हिसाब से भी लोग आ सकते हैं, फिर बस टूर चल रहे हैं उसके हिसाब से आ सकते हो, वरना हम लोग जैसे घूमो पैदल, बिल्कुल पैसे बता के एनर्जी खर्च कर करके घूमो भाई। बस यार सिटी में तो सही में बोर हो रहे हैं हम लोग अभी 2 दिन से। बाकी ये यहाँ का एक मेन डेस्टिनेशन था। यहाँ से निकलकर थोड़ी देर शहर की सड़कों पर भटकने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम फिर से हॉस्टल जाते हैं और हनोई से निकलने की प्लानिंग करते हैं। बट बिफोर दैट दिस ब्यूटीफुल हॉन्गकिंग लेक स्टॉप्ड अस वंस अगेन। थोड़ी देर ठंडे मौसम में बैठने के बाद फाइनली हम पहुँचे हॉस्टल में, और फिर अगले दिन। तो भाई आज हम लोग निकल रहे हैं हनोई से हाइजान के लिए, और अभी सुबह के 6:30 बजे हुए हैं, और हमने ये पीछे वाली बस करी है, एक लिमोजिन वैन करी हुई है हमने, वो आपको दिखाता हूँ। और कल हम लोग रात को गए थे इंडियन रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए, वहाँ पे हमने पेपर मसाला डोसा खाया था, उत्तपम खाया था, तो खाना तो अच्छा था। करीब 1100-1200 रुपये खर्चा हो गया हमारा, लेकिन अब कल से इंडियन फूड मिलने नहीं वाला है, इसलिए कल ही खा लिया था। और अभी सुबह 6 बजे से उठ के अब वेट कर रहे थे, अब फाइनली वैन आ गई है, सो अब निकल रहे हैं। ये है भाई हमारी बस। भैया बैठ गए हम लोग बस में फाइनली, ज़्यादा टाइम से वेट नहीं कर रहे थे, लगभग आधे घंटे से वेट कर रहे थे, आधे घंटे बाद आ गई। कितना टाइम हुआ, 7:45 भी नहीं हुए और हम निकल रहे हैं यहाँ से। सो बस दिखा देता हूँ मैं आपको, अभी हम लोग बैठे हैं भाई
आयान की बस में, जिसमें हमको लगने वाले 6 घंटे, करीब 5.5-6 घंटे लगेंगे आयान जाने के लिए। 7 बज रही है तो करीब कितने बजे पहुँचना चाहिए? 5-1 बजे तक पहुँच जाना चाहिए। बस तो काफ़ी अच्छी है, इसके लिए कितना पे किया है? 1000 रुपये करीब पे किया हमने। और एसी है, लिमोजीन, लग्जरी वैन है। सो देखते हैं अभी कैसा रहता है सफ़र, और आज से मज़ा आएगा भाई ट्रैवल करने में। अभी सिटी में तो कुछ आया नहीं इतना खास, आज से हमारी जर्नी चालू हो रही है एक तरीके से। तो हम लोग 1 बजे आ गए थे हाईयान पे, सीधा वैन ने हॉस्टल पे ड्रॉप किया था हमको। तो हॉस्टल में आने के बाद हमको करना था लंच, और लंच के लिए हॉस्टल में मेन्यू देख रहे थे, लेकिन हॉस्टल में कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। वहाँ पे बीफ था वहाँ पे, तो बीफ खाना नहीं था, इसलिए फिर हमने क्या, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप गाड़ी लेके चले जाओ और बाहर जाके खा लो कहीं पे। और उन्होंने अपनी 2 व्हीलर दे दी और उसके लिए चार्ज भी नहीं किया। फिर हम दोनों गए, पहली बार भाई हाईयान में गाड़ी चला रहे, 3-4 किलोमीटर गए। पहले तो रॉन्ग साइड में चलाए, हाँ पहले तो 5-10 सेकंड तो पता ही नहीं पड़ा कि इधर राइट साइड में चलाते हैं, तो याद ही नहीं रहा। मतलब याद था लेकिन वही गाड़ी में आदत है ना, उसलिए वो लेफ्ट साइड में निकल गए। फिर सामने से कार आई तब याद आया कि इस साइड चलानी है। जगह तो बहुत अच्छी है यार, अभी जगह बाद में दिखाता हूँ, पीछे आपको माउंटेन दिख ही रहा होगा। कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, छुपाने वाली बात नहीं है, पीछे माउंटेन दिख ही रहे हैं, चारों तरफ माउंटेन ही माउंटेन है इधर। फिर हॉस्टल के बाद हम लोग खाना खाने के लिए गए, तो अच्छा वेजिटेरियन खाना मिल गया था हमको। क्या क्या खाया था यार? एक सैंडविच था, वेजिटेरियन सैंडविच, और वेज फ्राइड राइस थे, और काफ़ी अच्छा था। मतलब ये तो थोड़ा टेस्ट कम रहता है, इसलिए सॉस वॉस डालना पड़ता है। अब अगली बार मैगी मसाला डाल के ट्राई करेंगे उसको। और क्या, बस फिर हॉस्टल में आ गए वापस से खाना खा के, उसके बाद से थोड़ी देर आराम कर रहे थे, एडिटिंग वगैरह कर रहे थे, हॉस्टल में बातचीत कर रहे थे लोगों से, होस्ट से बात ही हुई थोड़ी बहुत। उसके बाद अब फिर से निकले घूमने के लिए। तो क्या आप भी जुड़ना चाहते हैं 30 दिन के हमारे सफ़र में? ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और नए वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करना है। ये भाई हमारे हॉस्टल के जस्ट पास की जगह है, यहाँ से टर्न लेके आगे से हॉस्टल है, और आगे से पीछे तक सब तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। और हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं बाइक राइड, तो अभी देखते हैं, अभी उसी की इन्फॉर्मेशन लेना है हॉस्टल से, और उसके बाद कल या परसों से फिर निकलेंगे हमारी बाइक राइड पे। कितना खर्चा होगा, क्या होगा, वो सब अगले एपिसोड में बताएंगे, जब हमको पता पड़ेगा तभी बता पाएंगे। पर ये जगह बहुत सही है भाई, एकदम बाइकर्स पैराडाइज। ये देखो भाई, ये हमारे हॉस्टल के बाहर का ही है जस्ट, फिर हम आपको दिखाते हैं हॉस्टल। तो सही व्यू है भाई, वापस किसको पता होगा यार, क्या कहाँ घुमाए, देखना बाइक लेके यार।